अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। एक दफ़ा फिर से आप सबको अपने चैनल रोमानिया वीज़ा पे वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आप सबकी खिदमत में फिर से हाजिर होने का मौका मिला है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो रोमानिया एम्बेसी से रिलेटेड है कि एम्बेसी की जो है वो क्या सिचुएशन चल रही है, एम्बेसडर जो है वो रोमानिया एम्बेसी के वो वापस आए हैं या नहीं आए, या अपॉइंटमेंट जो है वो कब से जो है वो मिलना स्टार्ट होंगी, क्या जो है वो सूरत हाल एम्बेसी की चल रही है, तो उसी की कुछ अपडेट्स जो कि मैं आप भाइयों से शेयर करूंगा, क्योंकि मेरी एक भाई से बात हुई थी जो कि पीर वाले दिन जो है वो यानी कि कल जो है वो एम्बेसी गए थे सुबह के टाइम, तो उनसे मेरी जो है वो काफ़ी डीपली डिस्कशन हुई है, उनसे मैंने पता किया सारा। तो मैंने सोचा कि आप सब भाइयों के साथ भी जो है वो डिटेल शेयर कर देता हूँ। तो हमेशा की तरह वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले जो भाई चैनल पर नहीं है वो कहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो भी आपको मिल सके। उसके अलावा वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो फ्रेंड, बात इस तरह से है कि वो मेरे दोस्त थे जो कि कल सुबह जो है वो रोमानिया एम्बेसी में गए थे। एक्चुअली उनका जो है वो एक फ्रेंड था जिन्होंने रोमानिया एम्बेसी का जो है वो केस अप्लाई किया हुआ था और उनका जो है वो वीज़ा जो है वो स्टैम्प हो गया था पासपोर्ट के ऊपर, तो जिसके बाद जो है वो उनको एम्बेसी ने ईमेल करके बुलाया हुआ था। तो कल वो जो है वो उसके साथ एम्बेसी में गए थे। तो मैंने उनसे पूछा, काफ़ी डीपली डिस्कशन हुई। तो उनसे पूछने पे उनको उन्होंने मुझे ये बताया कि जो उनके फ्रेंड का जो वीज़ा अप्लाई हुआ था वो विज़िट वीज़ा था, वर्क वीज़ा नहीं था, जो कि उनको जो है वो पासपोर्ट पे स्टैम्प करके वापस मिल गया था। तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्या मुझे बता सकते हैं कि जो एम्बेसडर थे जब कि छुट्टियों पे गए थे रोमानिया में, क्या एम्बेसडर जो है वो वापस आ गए हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि जी एम्बेसडर जो है वो वापस आ गए हैं। आज उनका पहला दिन था, यानी कि मंडे 3 अक्टूबर मंडे को उनका पहला दिन था। तो उसके बाद उनसे जब अपॉइंटमेंट की मैंने डिस्कशन की तो अपॉइंटमेंट का मुझे पता चला कि अपॉइंटमेंट जो है वो 6 अक्टूबर से जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। उन्होंने एम्बेसी से भी ये चीज़ कंफर्म किया, क्लियर किया। तो एम्बेसी के कहने के मुताबिक जो है वो 6 अक्टूबर से अपॉइंटमेंट देना एम्बेसी स्टार्ट कर देगी उन लोगों के जिनके वर्क वीज़ा अप्लाई हुए हैं, क्योंकि जो विज़िट वीज़ा अप्लाई हुए हैं उनको एम्बेसी जो है वो टाइम टू टाइम ईमेल करके अपॉइंटमेंट दे रही है। काफ़ी भाइयों को मिले भी हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक भाई से बात हो रही थी जिन्होंने अगस्त के मंथ में अप्लाई की थी अपॉइंटमेंट विज़िट वीज़ा के लिए और उनको पिछले वीक जो है वो अपॉइंटमेंट मिल गई थी जो कि इस जो है वो 10 अक्टूबर की मिली है। तो इसी तरह 6 अक्टूबर से जो है वो बाकायदा अपॉइंटमेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। एम्बेसडर आ गए हैं और चूंकि काम जो है वो अगस्त के महीने का ही होगा, जितने केसेस अगस्त में अप्लाई हुए हैं उनको ही अपॉइंटमेंट्स मिलनी है। तो जो भाई अगस्त के अपॉइंटमेंट अप्लाई करके वेट कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि अपॉइंटमेंट जो है वो इसी वीक से जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। इस वीक से अगर एम्बेसी स्टार्ट कर देती है तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट वीक से लाजमी अपॉइंटमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगी और एम्बेसडर जो है वो मौजूद हैं। दूसरी बात यह है कि उन भाइयों से जब मैंने वीज़ा रेशो का मालूम करना चाहा तो उन्होंने मुझे बताया कि एम्बेसी में जो वीज़ा रेशो जो इस टाइम चल रही है वर्क वीज़ा की, वो बहुत ही बुरे हालात हैं एम्बेसी के अंदर। एम्बेसी में तकरीबन आप समझ लें कि 95% जो वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर रही है एम्बेसी और सिर्फ 4 से 5% वीज़ा जो है वो लगा के दे रही है। मेरे उनसे बात करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि इस टाइम जो है वो सबसे अच्छा मौका यही है कि आप जो है वो विज़िट वीज़ा अप्लाई कर लें रोमानिया का, उसके लगने के चांस ज़्यादा हैं बजाय के वर्क परमिट के, क्योंकि वर्क परमिट जो है वो नहीं लग रहे।
मैंने उनसे जब रीज़न मालूम की तो उन्होंने मुझे बताया कि जो हमारे भाई पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं वो वहाँ जाके आगे कंपनियों में जाने के बजाय वहाँ से इलीगल जो है वो डंकी लगा के दूसरे कंट्रीज़ में चल जाते हैं, जिसकी वजह से रोमानिया की गवर्नमेंट ने जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया है। ये एशियन कंट्रीज़ जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वगैरह शामिल हैं, चूँकि इंडिया के साथ उनके जो माहदे मुज़ाकरात हैं उसमें अभी तक कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। इंडिया का अगर वर्क परमिट निकलता है तो उनका वीज़ा लाजमी लगता है, बांग्लादेश नेपाल वालों का भी लगता है, लेकिन जस्ट पाकिस्तानी जो है वो इसमें काफ़ी पीछे हैं। तो फ्रेंड्स, यही कुछ अपडेट्स थी जो कि आप सब भाइयों से शेयर करनी थी। बाकी मिलता हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।